जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी थोक अनाज मंडी वेयरहाउस नेहरू मार्केट में शनिवार को लोहड़ी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शाम करीब 5 बजे सभी व्यापारी वेयरहाउस चौक में एकत्रित हुए और यहां पर लोहड़ी जलाकर अर्घ दिया। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया था। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट के प्रधान दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सभी व्यापारियों ने अर्घ दिया, जिसके बाद मूंगफली, रेवड़ी व मेवों का प्रसाद वितरित किया गया। फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने इस मौके पर समस्त देशवासियों को लोहड़ी व मकर संक्रांति की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जताई कि समाज की सभी बुराइयों का लोहड़ी की इस अग्नि में नाश होगा और समाज में आपसी प्रेम व भाईचारा मजबूत होगा। दीपक गुप्ता ने इस मौके पर 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की भी देशवासियों को मुबारकबाद दी। जम्मू वासियों से 22 जनवरी को महादीपावली के रूप में मनाने की अपील करते हुए दीपक गुप्ता ने कहा कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे, तो उस दिन की याद में हर साल दीपावली मनाई जाती है। अब तो भगवान श्री राम 500 साल बाद अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए इस दिन को महादीपावली के रूप में मनाया जाना चाहिए। गुप्ता ने जम्मू वासियों से 22 जनवरी को पूरे शहर को जगमगाने की अपील की। इस मौके पर फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष महाजन व सचिव विशाल गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों को और हमारे व्यापारियों को लोहड़ी की त्यौहार की शुभकामनाएं और मकर संक्रांति के त्यौहार की भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का त्यौहार जो है सूर्य देव की पूजा के लिए मनाया जाता है और सूर्य देव जो है उत्तरायण होते हैं और आज के दिन के बाद जो है दिन लंबे हो जाते हैं, रातें जो है छोटी होती हैं और पंजाब के अंदर जो है फसलों की काटने का प्रतीक है। एक किस्म से आज के दिन एक नए जीवन का भी प्रतीक है और किसान भाई जो है फसलों काटने का प्रतीक समझते हैं और आज के दिन जो है फसलों की पूजा की जाती है और हम भी प्रार्थना करते हैं हमारे किसानों भाइयों की फसल अच्छी अच्छे ढंग से कटी जाए और अच्छी फसलें हो। और मैं समझता हूँ आज का दिन जो है हमने सब ने मिलकर लोहड़ी जलाई है और यही कामना की है, यही प्रार्थना की है कि जो बुराई का नाश हो और हमारे जम्मू कश्मीर में आपस में भाईचारा बढ़े, हम आपस में जो है लोग स्वस्थ रहें, लोग जो है उनकी सब मनोकामना पूरी हो। लोहड़ी के पर्व के ऊपर आज एक और जो 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे रामलला जी आ रहे हैं उनकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद है और मैं समझता हूँ इस बार जो है 22 जनवरी को है महादीपावली के रूप में मनाया जाए। और आप सब जानते हैं जब हमारे राम जी वनवास करके 14 वर्ष के बाद आए थे तो हम दीपावली मनाते हैं और अब जो है हमारे रामलला 22 जनवरी को आ रहे हैं तो 500 वर्ष के बाद आ रहे हैं, तो इसलिए महादीपावली के रूप में मनाई जाए। और सब लोगों से अपील है, सब दुकानदारों भाइयों से अपील है इस बार 22 जनवरी को जो है महादीपावली के रूप में मनाई जाए। हर एक दुकान के अंदर, हर एक घर के अंदर जो है दिए जलाए जाए, लाइटें लगाई जाए और इसको दीपावली से भी बड़े पर्व से साथ मनाया जाए। एक बार फिर पुनः लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।